हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सीखेंगे छोटे बच्चों को यूज़ ऑफ दिस एंड दैट कैसे सिखाएं। जी, जो बच्चे छोटे क्लासेस में होते हैं, लाइक एलकेजी या यूकेजी में हैं, इवन क्लास 1 या 2 में भी हैं, उन बच्चों को भी दिस एंड दैट के यूज़ करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पेरेंट्स को भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि अपने बच्चों को वो दिस और दैट में डिफरेंस करना कैसे सिखाएं। तो चलो सीखते हैं आज की वीडियो में कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देख सकते हो। इस पिक्चर में ये क्या बना हुआ है? BAG, बैग। बैग मीन्स थैला। सेकंड वन इज CHAIR, चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी, आपको दिख भी रही है। CUP, कप। कप मीन्स प्याला, राइट। एंड देन LOCK, लॉक। लॉक मीन्स ताला। HUT, हट। हट मीन्स झोपड़ी। BOOK, बुक। बुक मीन्स पुस्तक, राइट। अभी यहाँ एक चीज़ आपने देखो, इस पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, कि ये ऊपर की जितनी भी पिक्चर्स है वो छोटी हैं नीचे की इन पिक्चर्स से, राइट। अभी ठीक, ये पिक्चर्स छोटी हैं और ये पिक्चर्स क्या हैं, ये बड़ी हैं, ठीक। और आप सीखोगे क्या यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। तो दिस मीन्स क्या होता है? यह। और दैट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वह। अब यह और वह क्या होता है? कोई भी चीज़, वस्तु या व्यक्ति जो आपके बिल्कुल पास है उसको बोलेंगे हम यह। दिस लॉक, दिस हट, दिस बुक। बट जो चीज़ हमसे दूर होती है, जो हमसे थोड़ी दूर पे होती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हो? वह। और कैसे उसको बोलोगे इंग्लिश में? दैट बैग, दैट चेयर, दैट कप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दिस का यूज़ आप जो वस्तु आपके पास है उसके लिए करोगे, और दैट का यूज़ हम उन वस्तुओं के लिए करते हैं जो हमसे दूर हैं। तो चलो टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। अभी ये पिक्चर में देखो क्या लिखा हुआ है। दिस इज़ अ क्रो, क्योंकि क्रो की पिक्चर कहाँ है? बिल्कुल पास में है, इसलिए इसको बोलेंगे दिस इज़ अ क्रो। अब यहाँ एक सेंटेंस देखो, ये बॉय की पिक्चर देखो कितनी दूर है ना, इस सेंटेंस से ये दूर है, और इसीलिए सेंटेंस भी क्या लिखा हुआ है? दैट इज़ अ बॉय, यानी कि वह एक लड़का है। तो इस पिक्चर में आपने क्या देखा? जो पिक्चर आपके बिल्कुल करीब है या पास है उसके लिए दिस, और जो चीज़ आपसे दूर है उसके लिए आप दैट का यूज़ करोगे, राइट। चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। नाउ सी द पिक्चर। अभी इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? COCK, कॉक। तो बताओ ये जो कॉक है, यानी जिसको हिंदी में मुर्गा बोलते हो, ये सेंटेंस के पास है या दूर? पास, राइट। और इसीलिए आप सेंटेंस क्या लिखोगे? दिस इज़ अ कॉक, राइट। चलो अभी सेकंड आते हैं। नो सी द सेकंड सेंटेंस। अभी सेकंड जो पिक्चर है वो इस सेंटेंस से दूर है, तो जो चीज़ दूर है इसके लिए क्या यूज़ करोगे? दैट। दैट इज़ अ स्वान, SWAN, स्वान। स्वान मीन्स हंस, यानी कि वह एक हंस है। जो पिक्चर नज़दीक है उसके लिए दिस, जो दूर है उसके लिए दैट। नाउ द नेक्स्ट वन, PARROT, पैरट। पैरट मीन्स तोता। नाउ व्हाट विल यू फिल? दिस इज़ अ पैरट, क्योंकि पैरट के पिक जो है वो सेंटेंस के काफ़ी करीब है। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन, KITE, काइट। अभी काइट मीन्स पतंग नहीं होता है, काइट मीन्स चील भी होता है। इसकी पिक्चर दूर है ना सेंटेंस से, तो क्या हो रहा है आंसर? दैट इज़ अ काइट, राइट। आई होप बच्चों आपको इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करके अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि दिस और दैट का यूज़ आपको कैसे करना है। अब इसे बताओ,
PECOCK पिकॉक, पिकॉक मीन्स मोर। अभी देखो इसकी पिक्चर सेंटेंस के पास है या दूर? पास है ना, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? दिस दिस इज अ पिकॉक, राइट। टीचर्स या हो या फिर पेरेंट्स या स्टूडेंट्स, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में छोटे बच्चों को या स्कूल में भी अपने स्टूडेंट्स को कुछ सामान दें, चाहे वो टेबल, कुर्सी, चॉक, डस्टर, कोई भी सामान हो। कुछ को पास रखें, कुछ को दूर रखें, और बच्चों से बार बार प्रैक्टिस करवाएं कि वो उसको सेंटेंस को बताएं कि वो दिस है या दैट। और ऐसा डेली लाइफ में यूज़ करते करते उनको बहुत आसानी से ही दिस और दैट का यूज़ करना आ जाएगा। नाउ दिस पिक्चर, BAT बैट, बैट मीन्स चमगादड़। अभी इसकी पिक्चर देखो सेंटेंस से कितनी दूर है, तो जो दूर है वो क्या है? वह, और वह की इंग्लिश दैट। तो क्या होगा आंसर? दैट इज अ बैट। आई होप बच्चों ये प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी, और अब आपके लिए दिस और दैट के कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ही आसान हो गया होगा। दिस यानी कि पास, दैट यानी कि दूर, दिस यानी कि यह, दैट यानी कि वह। यह पास है, वह दूर है, ऐसे आप याद कर लेना। यह पास है, वह दूर है, तो आपको हमेशा समझ में आ जाएगा कि दिस का हम प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए और दैट का प्रयोग हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।